नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है बात देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। और इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। और इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने द बीटल्स और द गंगा फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस आयोजन से 84 कुटिया को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने का दावा किया जा रहा है। महोत्सव में करीब 15 देशों के विदेशी मेहमान शिरकत कर रहे हैं। देश के अंदर जो विकास की तेजी से जो यात्रा चली है, उस यात्रा में हर एक को सहभागी बनना है, हर एक को उस पथ का साथी बनना है। और गंतव्य तक जब तक यात्रा न पहुंचे, तब तक निरंतर निरंतर रूप से आगे बढ़ता जाना है, चलते जाना है और सर्वांगीण विकास के लिए अपना बहुमूल्य योगदान देना है। सभी के सहयोग से जहां हम देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, वहीं देवभूमि को भी। नई दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे जॉली ग्रांट अस्पताल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिलकर उनका स्वास्थ्य जाना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी यहां कुछ देर उनके साथ भी रहे। रावत के एमआरआई, सीटी स्कैन और इको आदि टेस्ट के बाद पसली में चोट और कमर में हल्की चोट की पुष्टि हुई है। एक मामले में जरूर मैं धामी जी को आगे देखूंगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का गणित जरा सा कमजोर था, शायद उनकी गिनती कम थी, वो कम का निवेश लाए थे, नहीं किए थे, और ये ज़रा ज़्यादा लक्ष्य रखता के बता। लेकिन जो पहला समिट हुआ था, उसके बाद हमारे गांव घर की ज़मीनें बिक गई सारी, बंत्रा रिजॉर्ट जैसे बने जो हमारे स्वाभिमान पर डाका डालने का काम कर रहे हैं, गाँव गाँव की ज़मीनें बिक गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है हमारी कि दूसरे समिट के बाद जो रही सही उत्तराखंड की जमीन और हमारी संस्कृति है वो बच जाए। तो वहीं मैक्सिको में 3 दिवसीय थोक बाजारों का विश्व संघ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन के दूसरे दिन कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से भेंट की। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के दौरान मंडियों का आधुनिकीकरण, थोक बिक्री बाजार के मौजूदा मुद्दों पर मंथन किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कृषि और अन्य क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो वहीं विकासनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सैलाकुई सिडकुला क्षेत्र की एसआईटी जांच की मांग की। और इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को बधाई देते हुए कहा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री प्रदेश में निवेश ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सैलाकुई सिडकुला क्षेत्र भ्रष्टाचार के घेरे में है। आरेंद्र शर्मा ने इस क्षेत्र में ऐसे उद्योग नहीं लगाने की पैरवी की जिनसे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा भी आरेंद्र शर्मा ने औद्योगिक क्षेत्र में भारी अनियमितता का भी मुद्दा उठाया। कल समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि सिडकुल में तैनात सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन राखी जी को सिडकुल ने कल बर्खास्त किया है। हम सरकार की इस कार्रवाई से तो संतुष्ट हैं कि आपने इनको बर्खास्त किया है, इनके पास इनके प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी पाए गए। लेकिन ये अधिकारी 15 महीने तक सैलाकुई में अप्रैल 2022 से लेके जून 2023 तक इन्होंने जो है अपना कार्यकाल जो है सैलाकुई में दिया है रीजनल मैनेजर के पद पे, और सारा आवंटन जो ग्रीन बेल्ट का, ग्रीन पार्क का, और एक ही कंपनी को जो आवंटन की बात की जा रही है जिसमें धांधली की शिकायत आ रही है, इन्हीं के कार्यकाल में की गई है। हम शासन से मांग करते हैं कि जितना भी इस अधिकारी का कार्यकाल सैलाकुई में रहा हो, उसकी बड़े स्तर पर SIT से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें निकाला जाए। जांच एजेंसी का काम है, जांच एजेंसी अपना काम अच्छे से करेंगे। हमें जांच एजेंसियों पे ऐसा हम हर एक पे उंगली उठाने लगेंगे, और हम उद्योगों के खिलाफ नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट के, हम लोग औद्योगिकरण चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में उद्योग आए, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले। हम भी औद्योगिक विकास के समर्थक हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का उसको लाभ नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ की सड़कें बुरी हाल है, जो यहाँ का पैसा आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पैसा कलेक्शन होता है, वो इस क्षेत्र में नहीं लग रहा है। हम अपने सैलाकुई क्षेत्र के जो उद्योग हैं,
हम उस औद्योगिक क्षेत्र की डिमांड कर रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट से नहीं, हमको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो, हम स्वागत करते हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो है वो निवेश आ रहा है। उद्यान विभाग घोटाले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस आदेश से उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर बवेजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धामी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में हरविंदर बवेजा को पहले ही निलंबित कर दिया था और इस मामले में एसआईटी जांच कर रही थी। जिस उद्यान विभाग पर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी थी, जो उद्यान नीति के रूप में प्रदेश के युवा जो है उज्ज्वल भविष्य के सपने संजो रहे थे, क्योंकि उद्यान विभाग जो है वानिकी के माध्यम से, पॉली हाउस के माध्यम से जो है रोजगार के बड़े बड़े सपने प्रदेश के बेरोजगारों को दिखा रहा था, और कांग्रेस पार्टी लगातार उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, और आपने देखा कि सामाजिक कार्यकर्ता ने भी जो है आरटीआई के माध्यम से तमाम खुलासे उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर किए थे। सरकार लगातार जो है मामले पर लिपापोती करने का काम कर रही थी। अब माननीय हाईकोर्ट ने जो है मामले को गंभीरता से लिया है और उद्यान विभाग के भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करवाने की जो विपक्ष की मांग थी वो मान ली। तो वहीं हल्द्वानी में 3 दिवसीय जोहार महोत्सव की रंगारंग शुरुआत कल से होने जा रही है। चीन की सीमा से सटे जोहार घाटी के रहने वाले वहां के बाशिंदों की ओर से हल्द्वानी में इस जोहार महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती सुंदर झांकी के साथ साथ इस महोत्सव की रंगारंग शुरुआत होगी। आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने के लिए आते हैं, और इसके अलावा इस महोत्सव में जोहार घाटी की लोक कला, हस्तशिल्प कला और वहां के उत्पादों के स्टॉल भी प्रदर्शित किए जाते हैं। ये जोहार महोत्सव जो है पिछले 14 साल से हम मना रहे हैं। मुख्य हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारे पहाड़ की संस्कृति, बोली भाषा विलुप्त होती जा रही है, उसको हम मतलब कैसे तरह संजोए रखने का हमारा मेन मुख्य बिंदु है। जो हमारी संस्कृति हो गई, जो पहाड़ की वास्तव में संस्कृति वो भी विलुप्त होती जा रही है, उसको बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए हमारा प्रयास है। दूसरा, खासकर जो हमारा मिल्लम घाटी जोहार रहनी, जो एशिया का सबसे बिगेस्ट ग्लेशियर मिल्लम एक जगह है, मिल्लम ग्लेशियर के नाम पर आपने सुना होगा, उस क्षेत्र से आने वाली जड़ी बूटियों का जो कुछ साल पहले बहुत दोहन हो रहा था, उसको भी हमने रोकथाम करने की कोशिश की, सरकार से अपील की, उसको भी हमने कुछ रोकने का काम किया है, और उसके अलावा जो भी जड़ी बूटियाँ हम लोगों के लिए उपलब्ध होती थोड़ी बहुत, उसको भी हम जो है यहाँ इस स्टॉल में लाते हैं और यहाँ के जो हमारा महोत्सव है उसमें हम रखते हैं। तो वहीं प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को परिसीमन भेज दिया है और इस पर आयोग ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्यक्रम भी तैयार कर दिया है। आपको बता दें 14 नवंबर को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में इसके लिए घर घर सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा और अगले साल 2 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद निकाय चुनाव होंगे। तो वहीं कांग्रेस मीडिया प्रभारी शीशपाल सिंह बिश ने कहा कि भाजपा लगातार नगर निकाय चुनाव कराने से बच रही है। कांग्रेस पहले से ही कहती आ रही थी कि निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद ही भाजपा कराएगी। देखिए, जैसी कांग्रेस पार्टी आशंकाएं व्यक्त कर रही थी कि नगर निगम के स्थानीय निकाय के चुनाव सरकार समय पर नहीं कराना चाहती, अब उसकी पुष्टि जो है शासन से ही हो गई है। अब जाकर के आपने परिसीमन जारी किया है और जो है अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने का काम शुरू होगा और 2 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जो है आप प्रकाशित करेंगे, तो इससे तय है कि नगर निगम के चुनाव समय पर नहीं होंगे, क्योंकि 2 दिसंबर को जो है वैसे ही नगर निगमों का स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हल्द्वानी के अस्पताल में तकरीबन 2 करोड़ की लागत से 9 बेड का आईसीयू वार्ड बनवाया गया था, लेकिन संचालन के कुछ समय बाद ही स्टाफ नहीं होने का हवाला देते हुए इसे बंद भी कर दिया गया और तभी से लेकर आज तक आईसीयू वार्ड शुरू ही नहीं हो पाया, जिसके चलते गंभीर मरीजों को खासी परेशानी होती है। आईसीयू चालू नहीं होने से दूर दराज से आए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख मजबूरी में करना पड़ता है, जिनके भारी भरकम बिल आते हैं, और हकीकत यह है कि आईसीयू वार्ड के लिए स्टाफ नहीं है।
जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव भी कड़ी नाराजगी जता चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। हम खड़े हैं हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आईसीयू का दरवाजा है, जिसमें आपको साफ स्पष्ट इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि यहां ताला लटका हुआ है और इस ताले का जो राज है वो राज लगभग 2 साल पुराना है। कोविड की दूसरी लहर के बाद यहाँ आईसीयू बनाया गया था, लगभग 9 से 10 बेडों का ये आईसीयू बनाया गया था और लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं और 2 साल से इस आईसीयू में ताला ही पड़ा हुआ है। अब इसका कारण बताया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन से जब बात की गई तो इसका कारण बताया गया कि यहाँ स्टाफ की कमी है, लेकिन करोड़ों की लागत से जो ये आईसीयू बनाया है लोगों की सुविधा के लिए, आम आदमी की सुविधा के लिए, उस आईसीयू का कहीं ना कहीं प्रयोग होता नहीं दिख रहा है, जिससे आम लोग जो पहाड़ों से दूरस्थ क्षेत्रों से लोग आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जो कि उनके फाइनेंशियल तौर पर भी वो लोग इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर करोड़ों की लागत खर्च करने के बाद भी सरकार से मिलने वाली ये सुविधाएं जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम जाते हैं बेस हॉस्पिटल के CMS के पास और उनसे जानते हैं कि कब तक इस ICU को संचालित किया जाएगा या क्या क्या इसमें कमियां अभी रह गई हैं संचालन को लेके। हालांकि स्टाफ की जो कमी है वो तो लगातार यहां बनी हुई है, लेकिन कब तक इस स्टाफ की कमी को दूर कर लिया जाएगा? देखिए, उसमें क्योंकि मैंने तो अभी टेम्प्रेरी यहाँ पर मैंने चार्ज लिया है क्योंकि मैडम अवकाश पे हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ICU जो है अभी हमारे यहाँ क्रियाशील नहीं हुआ है, तो उसके लिए बेसिकली क्या है कि ICU के लिए हमें एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफ नर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, और जिसके लिए जहाँ तक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है इसके लिए शासन को लिखा गया है कि वो संसाधन उपलब्ध कराएं। और इसके अलावा एक जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है उसकी क्षमता जो है वो 300 LPM क्षमता का वो ऑक्सीजन प्लांट है, और जिससे हमारे वार्ड के पेशेंट्स के लिए तो सफिशेंट हो जाता है, बट यदि हम ICU को क्रियाशील करना चाहें तो उसके लिए जो है हमें ज़्यादा क्षमता का चाहिएगा, ऑक्सीजन प्लांट की भी, ऑक्सीजन प्लांट को भी उसकी भी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और मेन जो इश्यू है वो मैंने आपको बताया कि संसाधन, जो मानव संसाधन हमें चाहिए उसकी अभी यहाँ पे। तो वहीं रामनगर आने वाले सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि रामनगर वन प्रभाग में पर्यटक जल्द ही एक नए पर्यटन जोन में 25 किलोमीटर के जंगल के अंदर सफारी का लुत्फ उठा पाएंगे। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग में अब जल्द ही पर्यटक एक नए पर्यटन जोन का लुत्फ उठा सकते हैं और इस संबंध में रामनगर वन प्रभाग ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही इस नए पर्यटन जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए, दो चीज़ें जो है, जो हम मानव वन्यजीव संघर्ष में जो है ना, हमने हमारे यहाँ पे जो है कोई हमने जो है वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स को जो वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स हैं उनको जो है चिन्हित किया गया है, और हमारे यहाँ पे जो है 10 से 15 हमने जो है स्पेशल किट्स मंगवाई गई हैं कि जब भी रेस्क्यू होना है तो उन किट्स, वो जो हमारे उनको हम बॉडी आर्मर बोलते हैं, तो बॉडी आर्मर के माध्यम से और साथ में ही उस जो वो एनिमल है, चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, उसकी लोकेशन जो है ड्रोन के माध्यम से जो है आइडेंटिफाई और जो है उनको दिखा जाएगा। हमारे द्वारा जो है इस किट का उपयोग पहले भी पिछली बार जो है लाल कुआं में किया गया था, जहाँ पर एक लेपर्ड को जो हमने रेस्क्यू किया था शांतिपुरी एरिया से, और भविष्य में भी हमने अभी हाल ही में 30 लोगों की जो है टीम त्राईपुरी वन प्रभाग में जो है तैयार कर दी गई है, जिनकी अभी हाल ही में दो दिन की कार्यशाला भी थी। तो वहीं मसूरी में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। देश और प्रदेश दोनों के विधिक सेवा प्राधिकरणों के निर्देश के अनुसार इसका आयोजन हुआ है और इस मौके पर स्कूली छात्रों की ओर से नुक्कड़ और लघु नाटक के जरिए लोगों को कन्या शिक्षा, स्वच्छता, प्रदूषण और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस शिविर में देहरादून के कई विभागों की ओर से भी प्रतिभाग कर सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। जागरूकता शिविर के माध्यम से परिवहन विभाग यहां पर उपस्थित सभी बच्चों को, उनके गार्जियंस को ये जागरूकता देना चाहता है कि जो सड़क दुर्घटना हो रही है उसमें परिवहन विभाग का सहयोग करे, अपने बच्चों को
हमारे माध्यम से जो हम नियम बता रहे हैं उनको जागरूक करें। बच्चे जब भी वाहन चलाएं तो नियमित हेलमेट पहने, और जब भी फोर व्हीलर में बैठते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और जितने भी नियम परिवहन विभाग के द्वारा इनको बताए जा रहे हैं उनका रोड पर वाहन चलाते समय उनका प्रयोग करें। परिवहन विभाग मैं यह भी सभी युवाओं से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो परिवहन विभाग से डरे नहीं। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही देश की खुशहाली और कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज दशहरा समापन के बाद देहरादून के परेड ग्राउंड का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ स्मार्ट सिटी से संबंधित कई अधिकारी मौजूद रहे और इसके बाद उन्होंने मौना करते हुए उस स्थल का निरीक्षण किया जहां पर रावण का दहन हुआ था। इस दौरान उन्होंने पाया कि जमीन पर लगी घास और साथ कई पेड़ पौधों को रावण दहन से काफी नुकसान हुआ है, जिसका उन्होंने बारीकी से परीक्षण करते हुए बनु बिरादरी को निर्देश दिए कि वो इसका यथाशीघ्र भुगतान करें। तो वहीं बनु बिरादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो भी कमिटमेंट किया गया था वो उसे पूरा करते हुए हर नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। कार्यक्रम होता रहा है और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे आते हैं, और अभी 76वां दशहरा मेला 24 तारीख को संपन्न हुआ, इसमें हजारों लोग उसमें शामिल थे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और चूंकि एक सांस्कृतिक दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से कार्यक्रम हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।